नमस्कार दोस्तों दोस्तों दुनिया के सभी देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देशों में तो एक दूसरे को बहुत पीछे छोड़ने की होड़ लगी हुई है, लिहाजा एक दूसरे को चुनौती दे रहे ये देश घातक से घातक मिसाइलों के परीक्षण करने में जुटे हुए हैं। आलम तो ये है कि अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के बाद अब स्पेस तक जंग की तैयारियां हो चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर स्पेस वॉर की शुरुआत चीन ने की है तो अमेरिका ने स्पेस वॉर के लिए 10 अरब डॉलर का भारी भरकम बजट तैयार कर दिया है। लिहाजा संभावित स्पेस वॉर के खतरे को देखते हुए भारत भी लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है और अब भारत अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी में है जो दुश्मनों के लिए साक्षात मौत है। हम बात कर रहे हैं महाविध्वंसक अग्नि 6 मिसाइल की। ये एक ऐसी मिसाइल है जो पलक झपकते ही दुश्मन के चार चार ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकती है। एक ऐसी मिसाइल जिसके भारत के हथियारों के बेड़े में शामिल होने की खबर से ही दुश्मन कांपने लगे हैं। दरअसल जब भारत की सबसे दमदार अग्नि 5 मिसाइल आई थी तो चीन और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी पिछले ही साल यानी साल 2020 के आखिर तक लद्दाख और गलवान इलाके में भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। भारत को डराने के लिए चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर अपनी मिसाइलों का जखीरा तैनात कर दिया था। चीन ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल DS-26-21 तैनात कर रखी थी। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत के कोरलांग सैन्य ठिकाने पर DS-25-21 मिसाइलें तैनात की हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर तक है। इसकी जद में भारत के ज्यादातर शहर आ जाते हैं। हालांकि भारत के पास चीन की इस मिसाइल के जवाब में अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, लेकिन भारत ने भी अक्टूबर 2020 के बाद ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण करके चीन को यह बता दिया है कि भारत किसी भी एंगल से पीछे नहीं है, ना उससे डरने वाला है। हालांकि भारत पहले युद्ध की शुरुआत ना करने की अपनी रणनीति पर चलता है, लेकिन छेड़े जाने पर दुश्मन को छोड़ता भी नहीं है। अग्नि सीरीज की घातक मिसाइलों के अलावा भारत के पास ब्रह्मोस, शौर्य मिसाइल के एडवांस वर्जन और चुटकियों में दुश्मन को खाक कर देने में सक्षम QRSAM का भी सफल परीक्षण हो चुका है। दोस्तों चीन की DS-26-21 मिसाइल की मारक क्षमता से कहीं ज्यादा अग्नि 5 ताकतवर है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। भारत इस मिसाइल का कई बार सफल परीक्षण भी कर चुका है। बड़ी बात तो यह है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल भी बना चुका है जो देश की सबसे घातक सबसे खतरनाक मिसाइल है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसका टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि साल 2013 में ही भारत ने अग्नि 5 मिसाइल बना ली थी, तो फिर अग्नि 6 मिसाइलों को क्यों छुपाया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। दोस्तों अग्नि 6 मिसाइल का चीन के पास फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। अग्नि 5 के कई दौर के सफल परीक्षण के बाद भारत के रक्षा वैज्ञानिक अग्नि 6 मिसाइल को डेवलप कर चुके हैं। दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी की अग्रणी पंक्तियों में भारत पहले से ही शामिल है। ऐसे में अग्नि 6 देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में और बुलंदियों की ओर ले जाएगी। अग्नि 6 की मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर है। अग्नि 6 मिसाइल का तोड़ तो चीन के पास बिल्कुल नहीं होगा। वैसे दोस्तों भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं जो कई देशों तक अपनी मारक क्षमता रखती हैं। दोस्तों भारत की कई मिसाइलें जमीन से जमीन, कई मिसाइलें हवा से हवा, तो कई मिसाइलें हवा से जमीन पर हमला कर सकती हैं। ये सभी मिसाइलें भारतीय मिसाइल बेड़े में मौजूद हैं। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे पृथ्वी 1, 2 और 3 प्रहार मिसाइलें, इसी तरह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत के पास हैं, वो है अग्नि 1, अग्नि 2। इंटरमीडिएट दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं भारत के पास में अग्नि 3 और अग्नि 4 हैं, तो अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 भी भारत के पास मौजूद है। भारत इन सभी मिसाइलों को एडवांस बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक अग्नि 5 मिसाइल के कई सफल परीक्षण कर चुके हैं जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अग्नि सीरीज का अपग्रेडेड वर्जन अग्नि 6 पर काम चल रहा है, जबकि कुछ में ये काम पूरा हो गया बताया गया है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि अब तक अग्नि 6 का परीक्षण
क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया गया है। दरअसल माना जा रहा है कि कोरोना के कारण जब पूरी दुनिया ठप थी, इस दौरान हिंदुस्तान में मिसाइल परीक्षण का काम भी रुका हुआ था और शायद इसी वजह से इसका परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों सवाल इस बात का भी है कि अग्नि 5 मिसाइल को 2013 में ही तैयार कर लिया गया था और उस समय भी वैज्ञानिकों ने कहा था कि अग्नि 6 पर काम चल रहा है और जल्द ही इसके परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर इस मिसाइल में ऐसी कौन सी तकनीक है जो दुनिया से इसको छुपाया जा रहा है। दोस्तों माना जा रहा है कि भारत की अग्नि 6 मिसाइल सबसे खतरनाक होगी। इसकी टक्कर में ना तो अमेरिका की मिसाइलें टिक पाएंगी और ना ही चीन और रूस की, और शायद इसी वजह से भारत इस मिसाइल को दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने किसी गुप्त सैन्य ठिकाने में इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। हालांकि ये बात थोड़ी सी व्यावहारिक नहीं लगती है, क्योंकि मिसाइल की टेस्टिंग अंदर नहीं होती है बल्कि बाहर होती है और इसकी सूचना दुनिया को देनी पड़ती है। वैसे दोस्तों इस मामले में एक कयास और लगाया जा रहा है और वो ये है कि क्या चीन और अमेरिका जैसे देश भारत को इस मिसाइल के परीक्षण से रोक रहे हैं। वैसे तो इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे देश दुनिया पर अपनी धाक जमाने के लिए ऐसा करते आए हैं, और वैसे भी कोई देश नहीं चाहता कि उससे कमजोर देश किसी ऐसी मिसाइल को बना ले जिससे उसकी जद काफी बढ़ जाए। अग्नि 6 का परीक्षण ना होना भी इसी वजह की ओर इशारा करता है, क्योंकि अग्नि 6 की मारक क्षमता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि रूस जैसे देश भी भारत की मारक क्षमता के घेरे में आ जाएंगे। इतना नहीं, अग्नि 6 अगर चली तो फिर यूरोप में भी कोई देश नहीं बच पाएगा। जहां तक भारत के दुश्मनों का सवाल है तो चीन और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भारत का सीधा दुश्मन कोई नहीं है, और चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए तो फिलहाल अग्नि 5 मिसाइल ही काफी है। वैसे 2017 में 12 जनवरी को भारत द्वारा अग्नि 5 मिसाइलों के परीक्षण के बाद से ही पाकिस्तान और चीन तिल मिलाए हुए थे। पाकिस्तान ने इसकी शिकायत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी MTCR से कर दी थी, जिससे उसने कहा था कि भारत लगातार परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जो इलाके की शांति के लिए बेहद गंभीर है। दोस्तों पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान ने MTCR से कहा है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम और महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल के परीक्षण की वजह से इलाके में शांति को लेकर खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान बातचीत के जरिए दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व को बढ़ाना चाहता है और वो इस दिशा में काफी काम कर रहा है, लेकिन भारत की ओर से लगातार हथियारों की होड़ का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की बातें पाकिस्तान ने खुलेआम कही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मिसाइल परीक्षण के कदम की शिकायत जिस MTCR से की थी वो आखिर क्या बला है। दरअसल दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR 35 देशों का एक समूह है जो हथियारों, परमाणु हथियारों, जैविक और रासायनिक हथियारों और तकनीक पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। इस समूह का उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ रही हथियारों की होड़ को रोकना है। खैर दोस्तों भारत की तरक्की से पाकिस्तान तो जलता ही है, चीन भी अग्नि सीरीज की मिसाइलों की जद में आने से सकते में है। अग्नि 4, अग्नि 5 के परीक्षण के बाद से ही चीन भी इसका विरोध लगातार करता आ रहा है। दरअसल भारत ने जब अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों का परीक्षण किया था, जो ये सीधा सा संकेत था कि अब भारत के परमाणु हमले की जद में पूरी दुनिया आ चुकी है और अब भारत इस क्षमता को और विकसित कर रहा है। अग्नि 6 मिसाइल तैयार करना भी इसी कदम का हिस्सा है, लेकिन भारत ने अब तक अग्नि 6 मिसाइलों की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं दी है। दोस्तों इसके पीछे जानकार एक कारण और भी बता रहे हैं कि दुनिया में भारत की साख से जलने वाले पाकिस्तान और चीन जैसे देश अग्नि 6 के आधिकारिक ऐलान के बाद इसके खिलाफ दुष्प्रचार करने लग जाएंगे, और इससे बचने के लिए शायद भारत आधिकारिक तौर पर अग्नि 6 के बारे में कोई खुलासा नहीं करना चाहता है। दरअसल दोस्तों चीन के पास सबसे घातक मिसाइल है DF-41 जिसकी मारक क्षमता है 15,000 किलोमीटर, जबकि अग्नि 6 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 12,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। दोनों ही मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। हालांकि दोस्तों इतनी मारक क्षमता के साथ भारत चीन के साथ भिड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली से बीजिंग की दूरी 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। फिलहाल चीन ने भारत के सरहदी इलाकों में DS-26-21 मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। भारत के पास इसको टक्कर देने के लिए K-4 और अग्नि 5 जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, साथ ही
साथ भारत की सरहदों की सुरक्षा के लिए रफाल भी मौजूद है, लेकिन चीन की DF-41 को केवल अग्नि 6 ही टक्कर दे सकती है, जिसके अब तक परीक्षण की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अग्नि 6 को यूं ही भारतीय बेड़े का महाविनाशक हथियार नहीं कहा जाता है। इसकी खासियतें इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन बनाती हैं। तो दोस्तों, वो खासियत कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। अग्नि 6 मिसाइल की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिसाइल एक साथ 4 से ज्यादा ठिकानों पर वार कर सकती है। वजन और एंगल सेट करके इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल दोस्तों, इस मिसाइल में छोटी छोटी टाइप की मिसाइलें फिट होती हैं, जिनकी संख्या 4 या 4 से ज्यादा हो सकती है, और इस तरह की मिसाइलें अभी तक अमेरिका, चीन और रूस के पास ही हैं। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 6 एक साथ दुश्मन के कई शहरों को तबाह करने में सक्षम होगी। हालांकि अब देश को इस मिसाइल के परीक्षण का इंतजार है, ताकि चीन जैसे देश अपनी जद में ही रहें। दोस्तों, फिलहाल भारत और चीन के अलावा दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जिनके पास में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली कोई मिसाइल है। इनमें से एक है अमेरिका और दूसरा है रूस। इन दोनों की भी बात हम कर लेते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास में LGM-30 मिसाइल मौजूद है। अमेरिका की ये सबसे घातक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 13,000 किलोमीटर है। अपने साथ ये मिसाइल एक साथ 3 परमाणु बम लेकर के जा सकती है। ये एक साथ 3 अलग अलग निशानों को भेज सकती है। तो वहीं रूस की बात करें तो रूस के पास है सबसे घातक मिसाइल R-36। इस मिसाइल की खासियत यह है कि एक बार में 10 लक्ष्यों को भेद सकती है। रूस की R-36 मिसाइल की मारक क्षमता 10,300 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि अब जो आंकड़े आए हैं इसके बारे में, वो इससे भी कहीं ज्यादा है। वैसे दोस्तों, भले ही भारत अग्नि 6 के मिशन को पोशीदा रूप से रख रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम पर दुनिया भर की नजर है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के डोकलाम विवाद के बाद भारत ने अपने परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर चीन पर केंद्रित कर दिया है। इसके अलावा भी भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ बड़ी ताकत देंगे। दोस्तों, भारत के पास 8 ऐसे हथियार हैं जिनसे वो कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। इनमें से हवा से हमला करने वाले 2 हथियार हैं, जबकि जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियां और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं। इसके अलावा कम से कम 3 हथियारों के विकास की प्रक्रिया चल रही है। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम कई दूसरी मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली अग्नि 6 मिसाइल और पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K-5 मिसाइल भी शामिल हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारत अपने 3 पुराने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एयरक्राफ्ट्स, जमीन से मार करने वाले प्लेटफॉर्म्स और समंदर से मार करने वाले सिस्टम्स को भी बदल रहा है, अपग्रेड कर रहा है। भविष्य की मिसाइल बनाने में जुटा है भारत। दोस्तों, भारत भविष्य की मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने पर जुटा हुआ है। DRDO की तैयारी जल्द से जल्द K-5 और K-6 के परीक्षण की है, जिनकी रेंज 5,000 से लेकर के 6,000 किलोमीटर तक है। इन्हें महामिसाइल कहा जा सकता है। K-4 की जद में पूरा पाकिस्तान सिमट जाता है, जबकि K-5 और K-6 मिसाइल तैयार हो जाने के बाद चीन भारत की मिसाइलों की जद में आ जाएगा। दरअसल K-4 मिसाइल मिशन के बाद DRDO ने भविष्य की मिसाइलों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। ये K-सीरीज यानी कलाम सीरीज की मिसाइलें हैं, जिनका नाम K-5 और K-6 है। K-5 और K-6 महामिसाइलें हैं। K-5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है, जबकि K-6 की रेंज 6,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। K-5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक ले जाने की है, यानी पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। दोस्तों, K-6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल होगी, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। K-6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5,000 से लेकर के 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K-4 Mark II मिसाइलों के निर्माण पर भी काम कर रहा है। इन घातक मिसाइलों को तैयार करने के पीछे भारत की मंशा केवल अपने दुश्मनों को ये बताने की है कि वो सरहद लांघने की कोशिशें ना करें। चीन पिछले कई महीनों से भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, अपनी मिसाइलों और बमों से डराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत की मिसाइलों को लेकर नीति ये रही है कि वो इनसे हमले की पहल कभी नहीं करेगा। इसके बावजूद दुश्मन को जवाब देने के लिहाज से और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
त्रिस्तरीय न्यूक्लियर शक्ति के विकास में इन मिसाइलों का होना बेहद जरूरी है। समुद्र बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लेस हमलावर मिसाइलें होने से भारत के पास परमाणु शक्ति के लिहाज से ताकत दोगुनी हो जाती है। इन मिसाइलों की अहमियत ये भी है कि ये न केवल पहले हमला करने में सर्वाइव करती हैं बल्कि जवाबी हमले में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि दोस्तों के फैमिली की मिसाइलें गोपनीय प्रकृति के प्रोजेक्ट्स हैं, लिहाजा इनके बारे में बहुत सी जानकारियां उजागर नहीं की गई हैं और हम भी नहीं चाहते कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आए। भारत ने ब्रह्मोस 2 का परीक्षण भी कर लिया है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे पाकिस्तान के राष्ट्रपति कुछ दिन पहले डरे हुए थे। इस मिसाइल को रूस और भारत मिलकर तैयार कर रहे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार मैक 7 यानी 8643.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। दोस्तों इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर्स और उनके स्टोलर्स रूम को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसके अलावा भारत ने साल 2020 में कई और घातक मिसाइलों का परीक्षण किया है। दरअसल भारत अपनी कई घातक मिसाइलों के परीक्षण काफी गोपनीय रख रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन और अमेरिका जैसे देश जो लगातार भारत पर नजर रखते हैं क्योंकि इनसे ज्यादातर मिसाइलें या तो भारत खुद विकसित कर रहा है या फिर रूस की मदद से कर रहा है और रूस का नाम आते ही अमेरिका की सुलग जाती है, तो वो इस काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर देता है और शायद यही वजह है कि भारत अपने के सीरीज और अग्नि सीरीज की एडवांस मिसाइलों को गुपचुप तरीके से ही तैयार कर रहा है। भारत के पास समंदर, आकाश और जमीन से दागने वाली मिसाइलों की एक लंबी चौड़ी खेप मौजूद है जो बेहद कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक दुश्मनों को खाक कर सकती है। वैसे दोस्तों भारत के पास जो मिसाइलों का जखीरा है उसको देख करके हमारे दुश्मन देश काफी आतंकित हैं। उनका खुद का मानना है कि भारत कुछ ही सेकंड्स में उन तक पहुंच बना सकता है, कुछ ही मिनटों में उनको तबाह भी कर सकता है। लिहाजा भारत की ताकत फिलहाल तेजी से आगे बढ़ रही है और चीन से इससे बौखलाया हुआ है। लिहाजा भारत अग्नि 6 और K-6 जैसी मिसाइलों को बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है। दोस्तों हमारी ये डिकोडिंग आपको कैसी लगी आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।